हेलो स्ट्रेंड्स लेटर स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.2 आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की और उसी के ऊपर बेस्ड एम की एक्सरसाइज एट पॉइंट टू सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफेक्स है उसका इंटीग्रेशन है और अगर आप उसे डिफरेंशिएट कर दें तो आपको बेसिक फंक्शन मीन्स एफ मिल जाएगा दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर वन इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है कि अगर आपके पास दो फंक्शन का एडिशन है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स और हमें उसका अगर इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन करना है तो दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करिए और ऐड कर दीजिए मींस इंटीग्रल ऑफ एफ वन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर थ्री है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसकी मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट वाली टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी के ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर टू और थ्री का कॉम्बिनेशन है इसमें दो फंक्शन है एफ वन एक्स और एफ टू एक्स दोनों का एडिशन है और दोनों कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई है सम कॉन्स्टेंट से और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर टू थी कि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्रॉपर्टी नंबर थ्री थी कि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी तो सेम यहां पे होगा या दोनों स्टेप एक साथ अप्लाई होंगे कि के वन इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स प्लस के टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डी एक्स बस इतना सा है और इसी के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज एट पॉइंट टू है कोई एडिशनल फॉर्मूला हमारे पास नहीं है जो फॉर्मूले हमने पहले यूज किए थे वही है बट यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चंस को किस तरह से प्रोसीड करना है कितने स्टेप्स हमें डायरेक्ट करने हैं, क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर टाइम मैनेजमेंट तो यहां पे हम लोग वहां तक कोशिश करेंगे डायरेक्ट करने की जहां तक पॉसिबल हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ दिस तो डायरेक्ट करेंगे ए कॉमन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री दिस इज इक्वल टू प्लस बी एक्स का एक्स जाएगा इंटीग्रेशन सी है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू दी पावर टू बाई थ्री प्लस वन तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इज एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस वन तो एक्स रेस टू दी पावर देखिए अब ये सारी चीजें आपको ओरली करने है टू बाई थ्री प्लस वन लिखना नहीं है दिस इज फाइव बाई थ्री तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा x रीज टू दी पावर फाइव बाई थ्री अपऑन फाइव बाई थ्री मत करिए इसको थ्री अपॉन फाइव कर दीजिए जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था डायरेक्ट करेंगे प्लस वन का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज अवर आंसर तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में तो आप स्टेप्स लिख लीजिए और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रूट थ्री तो हमारे पास बाहर आ जाएगा और रूट एक्स रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू दी पावर वन बाय टू देखिए इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको तो एक्स रेस टू दी पावर वन बाई टू का हो जाएगा एक्स रेस टू दी टू बाय थ्री इंटू टू बाई थ्री तो टू बाय थ्री प्लस थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए तो दिस इज टू अपॉन रूट थ्री एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस टू एक्स रेस टू दी पावर वन बाय टू प्लस सी तरह सेकेंड पार्ट है देखिए टू ए अपॉन रूट एक्स रूट एक्स मीन एक्स रेज टू दी पावर माइनस टू ए तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे टू लिख दिया माइनस बी अपॉन एक्स रेस टू दावर माइनस टू एक्स रेज टू दी पावर माइनस टू का एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन प्लस थ्री सी एक्स रेस टू दावर टू बाई थ्री एक्स रेज टू पावर टू बाई थ्री एक्स रेज टू दावर फाइव बाय थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए यूज कर लीजिए ए बी सी आप यहां पर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू फोर ए एक्स रेस टू पावर वन बाई टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस नाइन सी अपॉन फाइव एक्स रेस टू पावर फाइव अपॉन थ्री प्लस ए तो देखिए एक एक दो दो स्टेप में इसे कोशिश कीजिए कंप्लीट करने की चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड में तो देखिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा तो है और, तो तो और ये हो जाएगा कॉट एक्स और वन अपॉन साइन एक्सेक एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस कॉसेक एक्स दिस इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी इसी तरह से ये वाला पार्ट इसमें अलग अलग कर देंगे तो सेकेंड है टू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस थ्री साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो ये प्लस हो जाएगा प्लस फाइव रूट एक्स का एक्स रेज टू दी पावर थ्री बाय टू इंटू टू बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस चलिए देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था हमारे पास ये फंक्शन था हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसी तरह से यहां पे सेकंड वाले पार्ट में इसकी मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करी तो वन और उसको इंटीग्रेट कर दिया चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये सिंपल था हम लोगों के पास यहां पे इसमें तो कुछ भी नहीं था और इस वाले पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस टू ए बी और उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें इसे मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर वन बाय टू माइनस एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाय टू ऑफ डी एक्स दिस इज एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाय टू इंटू टू बाई थ्री टू दी पावर फाइव बाई टू इंटू टू बाई फाइव प्लस इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट था सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री एक्स रेस टू दी पावर टू प्लस वन बाय टू फाइव बाई टू देखिए अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायरेक्ट एकदम इमीजिएटली ध्यान आ जाना चाहिए प्लस टू एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पावर वन बाय टू अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए थ्री एक्स रेस टू दी पावर फाइव बाई टू इंटू टू अपॉन फाइव प्लस थ्री एक्स रेस टू दी पावर वन बाई टू का एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो सिक्स अपॉन सिक्स अपॉन सेवन एक्स रेज टू दी पावर सेवन बाय टू प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स रेज टू दी पावर फाइव अपॉन टू प्लस सिक्स अपॉन थ्री थ्री से थ्री कैंसिल एंड दिस इज थ्री से थ्री कैंसिल टू एक्स रेज टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए बहुत सिंपल था इसमें तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हर टर्म को हमारे पास रिजल्ट ये मिल गया और इसमें भी हमने कर दिया डिवाइड एक्स रेस टू दी पावर वन बाय टू का तो देखिए एक ही स्टेप में करना है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि थ्री माइनस वन बाय टू आप करने लगे सिक्स माइनस ही डायरेक्ट आप लोगों को कैलकुलेशन होनी चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि थ्री माइनस वन बाय टू इज फाइव बाई टू चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए हम लोग वही चीज आपको बताएंगे जहां पे हम लोगों को लगेगा कि क्वेश्चंस में यहां पे या फिर आगे आपकी ये सारी चीजें काम आएंगी तो देखिए जैसे यहां पे तो कुछ नहीं था a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने कर दिया और सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब लगाए तो क्या होता है हम लोगों ने जैसे बहुत पहले फॉर्मुले स्टडी किए होते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों के माइंड से स्लिप कर जाता है तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज ये तो आपको पता ही होगा दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर या फिर इसे कई जगह पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी बी लिखा है तो एक बार इसको लिख लीजिएगा जिससे परमानेंट मेमोरी में आपके चला जाए और इसी तरह से आगे जो हम लोगों के पास यूज होंगे वो यूज़ होंगे ए क्यू प्लस बी क्यूब का तो यहीं से निकल के आएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यूब और देखिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आपने ये तो देख लिया साथ ही साथ इसको भी एक बार रिवाइज कर ली क्योंकि अभी तो आपके सिर्फ पाँच सात सेकेंड लगेंगे पर अगर क्वेश्चन में आगे कहीं आए और इसको आप करने लगेंगे तो फिर उसमें टाइम लग जाएगा दोबारा रिकॉल करने में टाइम लग जाएगा तो यहीं से रिकॉल कर लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी तो ये भी इसका फॉर्मूला है या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसे कैसे लिखा इसमें सिंपल हम लोगों ने क्या किया ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बीस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आप इस तरह से कर लीजिए या फिर इस तरह से ओके तो हम लोगों ने ए प्लस बी का होल क्यूब भी बता दिया और ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है सिंपल फॉर्मूले लगने पर करना कैसे है और हम लोग किस तरह से प्रोसीड करें कि आगे भी हमें प्रॉब्लम ना आए तो जैसे ही यहां पे ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा फॉर्मूला लिख लीजिए और उसी के साथ साथ ये भी नोटिस कर लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता था तो यहीं पर रिवाइज हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं

बाकी सेकेंड थर्ड और फोर्थ वैसे रही। और इन दोनों बहुत सिंपल है कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिए कि हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का था हमारे पास टेन स्क्वायर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स का था हमारे पास x, x का था हमारे पास x, का था। हालांकि फॉर्मूला हमारे पास टेन एक्स का भी है पर आगे आएगा वो अभी हमारे पास नहीं है तो यहां पे देखिए विजुलाइज करिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन x अपॉन कॉस एक्स एक तो ये ले लीजिए वो हो जाएगा टेन एक्स और वन अपॉन कॉस एक्स एक हो जाएगा सेक एक्स आप कहेंगे सर ये हमें समझ में कैसे आएगा एग्जाम टाइम पे

क्योंकि log x रेस टू दावर फोर माइनस ई रेस टू दी पावर लॉग एक्स रेस टू दावर थ्री ये क्यों जा रहा है क्योंकि e रेस टू दी पावर log ये कैंसिल होकर हमारे पास x रेस टू दावर सिक्स मिलेगा दैट इज दिस इज इंटीग्रल ऑफ x रेस टू दावर सिक्स माइनस एक्स रेस टू दी पावर फाइव माइनस अपॉन फोर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स अब आप देखिए इसमें से एक्स रेस टू दी पावर फाइव न्यूमिरेटर में से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वन डिनोमिनेटर में से x क्यूब कॉमन ले लीजिए x माइनस वन डीएक्स ये कैंसिल एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट में तो देखिए कुछ भी नहीं है ये इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगना है हमारा तो इंटी टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी सेकेंड पार्ट में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्स अपॉन एक्स को वी कैन राइट साइन और ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेल टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता नहीं है सेक स्क्वायर एक्स का होता है तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी अब देखिए कितना सिंपल है इसमें तो चलिए नेक्स्ट करते हैं तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं था वन अपॉन साइन एक्स हो गया कॉसेक एक्स वन अपॉन कॉस ऐसे ही रहा और टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर दिया सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है सिंपल आ गया इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का फर्स्ट पार्ट है देखिए अब ये जो क्वेश्चन है अब

जब ये पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन वन से वन कैंसिल करेंगे आ जाएगा और उसका टेन एक्स बायू इन टू वो भी एक मेथड है प्लस कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं वन माइनस कॉस एक्स रेशनलाइज कर देते हैं इसे वन प्लस कॉस एक्स अपॉन और आपके एग्जाम में जो आपको समझ में आए जो मेथड आपको ध्यान आए उसी से कर दीजिए दोनों ही सही हैं दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिस इज वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड अब आपको ये दिखाई देना शुरू हो गया होगा दिस इज वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉसिक स्क्वायर एक्स इसका हम लोगों को इंटीग्रल पता है और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का रफ वर्क था अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है एंड दिस इज कॉसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स और कॉट एक्स कॉसेक एक्स इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस इसी तरह से सेम सेकेंड पार्ट है इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए वन प्लस साइन एक्स अब डायरेक्ट कर देते वन प्लस एक्स इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम चाहते तो यहां पर डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते आप अगर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ये वाला स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स एंड दिस इज टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस इज साइन एक्स प्लस वन तो साइन एक्स प्लस वन लिखे वन प्लस साइन एक्स लिखे वन प्लस साइन एक्स डीएक्स अब इसे रेशनलाइज कर दीजिए साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन

और टेन स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो बाहर माइनस है ये प्लस वन डी एक्स एंड दिसकस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज अवर आंसर इसी तरह से सेकेंड पार्ट है सिंपल था वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स ये टर्म कैंसिल और इंटीग्रेशन कर दिया चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिंपल है और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी सिंपल है कॉस टू एक्स को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और दोनों को Upon this sin square, sin square upon this. ये कर दीजिए बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा तो फर्स्ट तो 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 रहे हैं देखिए हम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका डायरेक्ट करने से अगर कोई चीज एकदम दिखाई दे रही है तो उसमें स्टेप लिखने का टाइम वेस्ट मत करिए प्लस फाइव ऑफ डी एक्स अब एक्स टू पावर थ्री बाय टू टू बाय थ्री माइनस वन बाय टू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सी देखिये दिस इज अवर आंसर दो लाइन में आंसर आ गया इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड दिस इज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वास एक्स वन अपॉन साइन स्क्सर एक्स माइनस हालांकि ना हो जाए अच्छी चीजें साइन स्क्सल और डी एक्स एंड एक्स इज माइनस कॉट एक्स एंड सेक स्क्स टेन एक्स प्लस दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सिक्सटींथ भी सेम है आपके पास इंटीग्रल ऑफ दिस तो ये हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये तो हो जाएगा वन अपऑन कॉस और ये हो जाएगा वन अपऑन कॉस प्लस साइन अपऑन कॉस तो देखिए कॉस वाली टर्म कैंसिल हो रही है मीन्स ये आ रहा है आपका वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स और ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं वन माइनस साइन एक्स रेशनलाइज कर दीजिए अपॉन वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स and this is equal to 1 upon cos square x is sec square x minus sin x upon cos square x is tan x sec x देखिए exercise easy है इसीलिए हम इसे direct भी करें tan x sec square x ka tan x minus sec x tan x का sec x plus some constant ही तो देखिए कितने simple question है चलिए next देखते हैं अब इसका जो second part है ये तो हमने rationalize कर दिए second part को हम दूसरे method से कर देते हैं इसमें हम लोग कॉसेक एक्स चाहे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा पर हम इसे क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते हैं इन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आप फर्स्ट वाले पार्ट में भी ऐसा कर सकते थे एक्स प्लस कॉट एक्स तो हर मेथड एक्सप्लोर करके देख लीजिए एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक एक्स कॉट एक्स अपॉन कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज वन तो हमने डायरेक्ट लिख दिया वन और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कोट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखिए कितना सिंपल है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आप देखिए यहां पे फिर से वही आपको x की पावर सिक्स प्लस वन अब देखिए मैंने आपको बताया था जब a प्लस B का होल क्यूब वाला क्वेश्चन हम करा रहे थे आपको तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूले थोड़ा सा देख लीजिए आपका ए प्लस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है तो आगे भी जो उसकी कंसर्न चीजें वो भी देख लीजिए जैसे मैंने वहां A, A भी बता दिया था अब देखिए ये चीज यहां पे यूज हो रही है वहां पे हमारा सिर्फ इतना पार्ट यूज हो रहा था पर यहां पे अब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज होगा तो इसीलिए मैं आपको बार बार एडवाइस करता हूं कि जो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट डाउन करके उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए अच्छी तरह से तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यूब तो यहां पे आ जाएगा आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी या तो ये कर दीजिए या फिर कर दीजिए ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन लेके तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर सिक्स तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वन मीन्स वन का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब जरा ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर इज वन माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्स डी है एक्स रेस टू दी पावर फोर का एक्स रेस टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का जो सेकेंड पार्ट है सिक्स साइन क्यूब एक्स अपऑन दिस कर देंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल दिस अपऑन दिस कर देंगे तो कॉस स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको दिख पता है टेन एक्स सेक एक्स और इसी तरह से कॉस एक एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉटेक एक्स कॉस एक आंसर आ गया चलिए देखते हैं तो सिंपल था इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है इसमें तो बहुत सिंपल है cos में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडरवुड वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स वन से वन कैंसिल एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ अंडरवुड ऑफ दिस इज अंडरवुड ऑफ टू और हो सकता है एक्स की वैल्यू एक्स का साइन एक्स प्लस सी तो कितना सिंपल है इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स वन से वन कैंसिल एंड दिस इज रूट टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स प्लस माइनस हो सकता है जीरो टू पाया फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव वैसे देखिए ये अंडरस्टूड सी चीजें होती है यहां पे और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें कॉट इनवर्स और इसे हमें कॉट इनवर्स लेके आना है तो सब टिक्नोमेट्री के क्वेश्चन है दिस इज टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन से वन कैंसिल टू से टू कैंसिल साइन से साइन अब देखिए एक ही स्टेप में हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर है कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स डी एक्स एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस कितना सिंपल है इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है तो बहुत सिंपल था हम लोगों ने कॉस टू एक्स और कॉस्टू एक्स का यहां पे हम लोगों ने वन कैंसिल करने वाले कॉन्सेप्ट से ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर वाला लगाया टेन एक्स आ गया अंडरवुड ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर अंडरवुड ऑफ टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स ये आंसर आ गया चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी इसी तरह से है टेन इनवर्स तो बहुत सिंपल था यहाँ पे हम लोगों ने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वन माइनस ने वन माइनस टू साइन एक्स बायू सॉल्व कर लिया इसी तरह से second, second वाले में तो देखिए आपको डायरेक्ट पता है कि दिस इज द फॉर्मुला ऑफ कॉस टू एक्स और डायरेक्टली आप कर भी सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके कॉसक्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स होता है तो यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं दिस इज 2x 2x dx, dx and this is is integral of 2x dx, that is x square plus c. Bahut है और ये हो जाएगा कॉस स्क्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल और ये कॉस टू एक्स और ये वन चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके पास फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स है इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इज एफ एक्स और इसका हो जाएगा फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर अपॉन फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ये जो कंडीशन दी होती है ये हम लोगों को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दी है अगर एक कांस्टेंट है तो एक अगर यहां पे मान लीजिए एक्स ये ए भी होता तो आपको एक और कंडीशन देता देता वो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो यहां पे गिवन है हमारे पास गिवन है एफ जीरो तो यहां पे अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो तो हमारे पास ये आ जाएगा देन फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा एफ जीरो पे जीरो पुट कर देंगे तो जीरो माइनस जीरो प्लस सी और एफ जीरो की वैल्यू दिस इंप्लाइज एफ जीरो की इज इक्वल टू सी तो इसे फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री तो सिर्फ कॉन्स्टेंट निकालने के लिए आपको कंडीशन दी होती है और कुछ भी नहीं है अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करिए और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट है उसको इस कंडीशन की हेल्प से फाइंड करिए तो तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विद दैट ऑल थैंक यू